शहर में मौजूद है लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं गई। फिर उसने फैक्ट्री का साबोटाज किया। मजदूर अपनी करनी पर उतारू हो चुके हैं, अब उन्हें एक ही कारण रोक सकता है और वो है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ दायर किया गया केस। आपके फैक्ट्री में हमारा खून बहा है, आपका भी खून बहेगा। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे 30 मार खा, और तुमसे निपटना भी बहुत अच्छी तरह आता है मुझे। तुझमें और मेम साहब में कोई खास फर्क नहीं। अच्छा? लेकिन आपस की बात यह है कि तू मेम साहब से ज्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा नाम अब कहाँ कहाँ नोट होने वाला है, ये तुम देखते जाओ। क्या कहता तू? क्या देखता हूँ क्या कहता है? मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पर पूरा भरोसा है, शायद अपनी लॉयल्टी से भी ज्यादा। जब तुमसे मिलना जुलना तो मुझे जरा डेंजरस लगने लगा। मैडम जो डेंजरस मेरा है ना, और किसी चीज में नहीं है। मुझे अब स्वताना जो भी है जैसी भी है, मेरे मुंह से हमेशा उसके लिए तारीफ ही निकलती है। बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाए? मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस दौरान आप ऋषभ का खास ख्याल रखिए। वो जिन अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है या गुजरने वाला है, उसे सहारे की सख्त जरूरत पड़ेगी। मत सिखा मुझे अच्छी माँ बनना क्या होता है। पहले तो तुमने मुझे मेरा पति संभालना सिखाना चाहा, और अब अच्छी माँ कैसे बनते हैं वो सिखाना चाहते हो। रंजना देवी, तुम्हारे तो दोनों रिश्ते नाजायज थे। पहले मेरे जायज पति की नाजायज पत्नी बनी, फिर नाजायज बच्चों की माँ। लेकिन तुम कैसी माँ हो ये तो तुम्हारे पहली शादी वाला बच्चा ही जानता है। लेकिन मैं अपने बेटे की सगी दुनिया की नजरों के सामने एक जाहिज मां हूं। तुम किस कैपेसिटी में मुझे ये भाषण दे रही? बच्चा पैदा तो हर औरत कर सकती है रंजना, लेकिन माँ बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। रियली? मैं सिर्फ ये फर्क आपको समझाना चाहती हूँ। ऋषभ को आपने कैसे पाला है ये आज के ऋषभ में साफ नजर आता है। हमें माफ कीजिए, हम यूं ही वो सवाल कर बैठे। पूजा, इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? और देखो इस तरह की बातें करके तुम मुझसे और दूर हो जाती हो। हमें लगा कि आप नाराज हो गए हैं। पूजा, इट्स नॉट योर फॉल्ट, गलती आखिर मेरे अंदर है। मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे दिल के साथ लोगों से रिश्ते कायम कर लेता हूँ, लेकिन उन लोगों को मेरे जज्बातों की बिल्कुल कदर नहीं है। बार बार उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो मेरे लिए क्या है और मेरी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है। हम औरों का नहीं कह सकते, पर हमें पूरा यकीन है आपकी जिंदगी में हमारी अहमियत का। नहीं नहीं पूजा, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम मुझसे सवाल करने से घबराती नहीं। हम मुझे ले लो, मैं तुमसे सारी बातें डिस्कस करता हूँ, तुमसे हर तरह का सवाल करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे सवाल करने से डरती हो। क्यों? क्योंकि कमी मेरे अंदर है, वरना सवाल करने के बाद तुम इतनी जल्दी मुझसे माफी न मांग बैठती। अच्छा बाबा, हम कान पकड़ते हैं, अपनी माफी के लिए माफी मांगते हैं और दोबारा वही सवाल फिर से करते हैं। स्वेतलाना जी का आपके साथ क्या रिश्ता है? पूजा, ये सवाल तो मैं अपने आप से करता हूँ कि आखिर स्वेतलाना के साथ मेरा रिश्ता क्या है। मेरे दिल में उसके लिए जितनी नफरत है उसके लिए उतनी इज्जत भी है। अब आई कांट डिसाइड कि उसके साथ मैं कैसे पेश आऊं। तो आप यूं कीजिए, आपके दिल में उनके लिए जो नफरत जो इज्जत है उन्हें तोड़ लीजिए, नतीजा आपके सामने होगा। ये इतना आसान नहीं है पूजा। स्वेतलाना मल्होत्रा खानदान पर एक श्राप है, और ये बात साफ है कि अगर वो हमारी जिंदगी में ना आई होती तो हमारी जिंदगी और बेहतर होती। मेरी माँ के दिल में इतना जहर ना होता और मेरे डैडी के पास वक्त होता मेरे लिए। पर हमें आप में कोई कमी नजर नहीं आती। कमी है पूजा, कमी है मेरे अंदर, और इन कमियों के बारे में सिर्फ एक ही इंसान जानता है, ऋषभ मल्होत्रा। मेरी कमजोरियां, मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी मजबूरियां, इन सब की एक बहुत बड़ी वजह है स्वेतलाना। पूजा, स्वेतलाना जैसी औरत सिर्फ अपने लिए जीती है, उसकी खुदगर्जी की कीमत किसे अदा करनी पड़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन सब के बावजूद मैं पता नहीं क्यों अपनी नफरत में पानी घोल लेता हूँ। देखिए, इन सब चीजों का असर आप पर होना नहीं चाहिए।
असर तो नहीं होना चाहिए, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, मल्होत्रा खानदान से स्वेताना का छुटकारा। सिल्वर स्टेट्स को वापस हासिल। गलत तो सुल्ताना ने मेरे साथ, अजताव जी के सामने उसने ये कहा कि अब मैं चेयरमैनशिप के लायक नहीं रहा। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आज तक इस घर में आने के लिए तुम्हें कभी किसी की इजाजत नहीं मांगनी पड़ी है, और अगर आज तुम्हें इजाजत की जरूरत महसूस हो रही है तो कह देती हूँ। वेलकम मिस्टर सुनील वर्मा, आइए ना, प्लीज प्लीज अंदर आइए। शुक्रिया 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 मिस मेधा। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? जिन रास्तों को भुलाना मेरे बस में नहीं, उन्हें याद रखना ही बेहतर समझता हूँ। नहीं, फिर भी इतना बड़ा वकील जिसके रास्ते में बड़े बड़े रास्ते शामिल हो, वो एक छोटे से वकील के घर क्यों आएगा? क्योंकि मेरा ये वकील वकील बाद में बना, पहले किसी का दोस्त है। अब दोस्ती निभाने का वक्त कहाँ मिलेगा वकील साहब? आप इतना बड़ा केस लड़ रहे हैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ। दरअसल तुम मेरे खिलाफ इसीलिए हुई कि मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के, एंड टू बी मोर प्रिसाइज, मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा के खिलाफ ये केस ले लिया। और जब से तुम्हें इस बात का पता चला है, तुमने ये दोस्ती ताक पर रख दी है, मैंने नहीं। और फिर जो ऋषभ मल्होत्रा के खिलाफ हो, वो फिर मिस मेधा हेगड़े का दोस्त कैसे रह सकता? You may be right. I'm absolutely right, Miss Medha Hegde. मैं तो बस पुरानी दोस्ती के खातिर आपको इत्तला करने आया था कि मैं ये केस फाइल करने जा रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जरूरत समझी, इसलिए आकर बता दिया ताकि कल आपको ये शिकायत न हो कि मैंने आपको बताया नहीं, और फिर आप इसी बात को मुद्दा बनाकर मुझ पर ताने कसने लगे। जब तुम खबर सुनाने आ ही गए हो मिस्टर सुनील वर्मा, तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लगे हाथ तो तुम भी एक खबर सुन ही लो। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल लॉयर होने के नाते तुम्हारे केस के खिलाफ ऋषभ का केस मैं लड़ रही हूं, तो एक प्रोफेशनल लॉयर की हैसियत से ये दोस्ती के ढोल को बंद करो, तुम अपना केस तैयार करो। थैंक्स मिस मेधा हेगड़े, बस ये एक दोस्ती थी जो मेरे केस के भार को कम कर, और आपकी सलाह के मुताबिक Being a professional lawyer, मैं दोस्ती छोड़ दूँ। शुक्रिया, मुझे इस बोक्सी से छुटकारा। केशव बाबू, ओ केशव बाबू, अब शराफत से उठ जाइए ना। फसल मैडम आ गई तो तुम्हें ड्राइवर समेत ऊपर भेज देगी। उठिए ना केशव बाबू। शंकर शंकर शंकर, उठ जाओ, अभी बहुत हो गया हंसी मजाक, देखो अब सब लोग आते ही होंगे। शंकर उठ जाओ ना, देखो ना अब सब लोग आते होंगे। शंकर, सुनीता, अरे सुनीता, कहाँ बच गई तू? मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन शंकर आज तेरी खैर नहीं, मैं तो चली। सुनीता,
सोने देना स्वेतलाना, सोने देना। क्या क्या कहा तूने? मुझे स्वेतलाना कहा? मैं मैडम दिख रही हूँ तुझे? हाँ चल उठ शंकर। ए, शंकर को गाड़ी लेके बाजार भेजा है स्वेतलाना, इधर आ। ड्राइवर मार्केट में गया है और मैं तुझे मैडम लग रही हूँ? कैसे? इसका एक ही जवाब है। पास ही रहो मैं। देविका, ऐसी नजदीकियां मुझे ज्यादा देर तक रास नहीं आती। तुम्हारे करीब आने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हें नजदीकियों की कितनी जरूरत है। तुम जब भी अपने आप को हर किसी से काट लेते हो परेशानियों से। मत करो ऐसी बातें। तुम खुशियों से दूर क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि क्योंकि ये खुशियां आगे चलकर मुझे बहुत महंगी पड़ती हैं। दुनिया के लिए देविका शायद बहुत बुरी होगी, क्योंकि जब भी किसी के चेहरे पे एक मुस्कान देती है तो उसकी कीमत वसूल होती है। लेकिन ये देविका जो तुम्हारे पास है वो दूसरी है। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे रही हूँ, तुम मुझे खुशी दे रहे हो। तुम नहीं जानते तुम्हारा साथ मुझे कितना सुख दे रहा है, इतना जितना जिंदगी में मुझे कम मिला। फिर वही बातें, वही बहकावे, जैसे जैसे जिंदगी एक नई ट्रेजेडी का ताना बाना बुन रही हो। लेकिन इस बार मैं बदकिस्मती के जाल में फंसने वाला नहीं। इतना आसान नहीं होता मैं ये जानना कि जिंदगी आगे क्या लाने वाली है। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है शीला राय की कहानी दोबारा दोहराई जा रही है। वही खुशी, वही बातें, वही नजदीकियां। शायद वो कहानी दोबारा दोहराई जा रही है, लेकिन मैं उसका अंत वो नहीं हूं। तुम्हें और मुझे हमेशा तन्हाई ने मारा। तुम्हें शायद इतनी जरूरत नहीं है जितनी मुझे तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है देविका, जरूरत मुझे भी कुछ कम नहीं है, लेकिन लेकिन कबूल करने से डरता हूं। क्यों? क्योंकि अपनी तन्हाई से ज्यादा मुझे प्रीतु नीतू की जिंदगी के बारे में फिक्र है, जो मैं जानता हूं किसी ट्रेजेडी की तरफ चल चुकी है। मुझे मुझे भागकर उन्हें पकड़कर सीधे रास्ते पर लाना है। ये तुम अकेले तो नहीं कर। एक वादा करते हैं, अपने रिश्ते को सेटल करने से पहले हम उस ट्रेजेडी की बुनियाद खड़ी कर देते हैं। लेकिन साथ साथ सॉरी रूबी, तुम्हें ये सब ये तमाशा देखना पड़ा। यू शुड बी सॉरी दीदी, ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ सुनील के साथ दोस्ती तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि उम्र भर हर दोस्ती को खींच खींच कर धकेल धकेल कर अपने साथ जोड़े रखो? देखो रूबी, एक दोस्ती वो होती है जो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, और एक दोस्ती वो होती है जो अपने साथ ही अपनी एक उम्र लेकर आती है। तो शायद मेरी और सुनील की दोस्ती कितनी उम्र थी? हमारा साथ शायद इतने ही दिनों का था। अपने दिल से पूछो, क्या सुनील सिर्फ तुम्हारा दोस्त था? रूबी,
उसने चाहे जो कुछ भी समझा हो, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक दोस्त ही था। नहीं दीदी, तुम अपने आप को धोखा दे रही हो। सुनील को तुमने अपने लाइन ऑफ डिफेंस बनाया रखा था। ऋषभ तुम्हारे ऊपर पूरी तरह हावी ना हो जाए, इसे सुनील नाम का एक ऑल्टरनेटिव बनाया रखा था। ये झूठ नहीं, ये सच है। और ये हर बार तब साबित होता था जब तुम ऋषभ के साथ अपना नाता तोड़कर घर आती थी और अपने सेंसेस को ये समझाती थी कि ऋषभ के साथ शादी करना तुम्हारी सेटिस्फाई करना है, और सुनील के साथ शादी अरे ये चमक दमक नहीं लेकिन शोर शोर खुशी थी। सुनील के साथ शादी, सुनील का और ऋषभ का तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन तुम्हें अब नहीं दिख रही क्योंकि ऋषभ तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया है, लेकिन जब तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ती थी तुम ऋषभ के पास खुद जाकर सुनील की तारीफ किया करती थी। बेशक सुनील में ऐसी कई बातें हैं जो तारीफ के लायक है, वो तो मैं आज अब भी कहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऋषभ को लेकर उसने डेफिनेट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जहाँ भी ऋषभ की मौजूदगी होती है वो ये समझता है कि मैं ऋषभ को नीचा दिखाने की कोशिश करती हूँ उसके जरिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि मुझे जीत कर वो ऋषभ पर अपनी जीत साबित करना चाहता है, वो ऋषभ को नीचा दिखाना चाहता है। वो सुनील तुम्हारी जिंदगी में ऋषभ से पहले आया था, वो तुमसे ऋषभ से पहले प्यार करता आ रहा है। वो तुम थी जो सुनील के प्यार को अपने ऋषभ के बीच घसीट लाए ताकि ऋषभ को सुनील का डर बना रहे। उसने अपने प्यार को तुम्हारे और ऋषभ के बीच में कभी नहीं लाना चाहा। हाँ, सिर्फ शराब के नशे में एक दिन कह दिया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और आज तक मेरे दिलों दिमाग पर ये बोझ है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आज तुम सुनील की तरह सोचती हो, तुम भी वही सोचती हो कि मैं सुनील के प्यार का इस्तेमाल करती हूँ, सुनील का इस्तेमाल करती हूँ, ये कहना चाहती हो ना तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती और अभी भी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक ऋषभ से शादी कर तो तुम्हें सिर्फ एक रुतबा, एक नाम मिलेगा, और सुनील से शादी रूपी तो हकीकत से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए शायद हो सके। मैंने सिर्फ ऋषभ को चाहा है और आज भी चाहती हूँ, इसलिए किससे शादी कर मुझे क्या मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा, और ये